हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। और आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया है या फिर स्टार्ट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री। गाइस, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी यूज़ होगा, 11th में यूज़ होगा, 12th में यूज़ होगा। तो आप इसको अच्छे से समझें। अगर आपको कोई डाउट होता है इन केस समझने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी जो कि मैंने उसमें मेंशन की हुई है, आप उसमें मेल करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो क्लास। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का हमें मीनिंग जानने की जरूरत है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो क्लास, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो मिलके बना है ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, दो वर्ड से। ट्रिगोन का मतलब होता है क्लास, तो क्लास ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन मतलब होता है उनका मेजरमेंट। यानी कि अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड्स की मेजरमेंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है उसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, एप्लीकेशन ये होता है, अगर मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है और एक बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है इन केस, और हाइट आप मेज़र नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपना एंगल सेट कर पा रहे हो कि आप इस पॉइंट से जो हाइट, मतलब इस बिल्डिंग का टिप है, यहाँ तक एंगल सपोज 60 डिग्री है। अगर आपको सिर्फ एंगल पता है क्लास, और ये पता है कि इस बिल्डिंग से आप कितनी दूर हो, मतलब मान लो अगर आप 1 किलोमीटर हो, ठीक है, और आपको एंगल पता है, किसी भी तरीके से आपने एंगल पता लगा लिया इन केस, तो आप इस बिल्डिंग की हाइट बिना किसी मेजरमेंट के पता लगा सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मीनिंग क्लियर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानने से पहले आप ये रट लें, ये क्या होता है, PBPHHB। याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, एक ट्रिक ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आप चाहो याद कर सकते हो। ये जस्ट एक फनी ट्रिक था, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, मुझे वही याद है, तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने इस वाली लाइन के ऊपर देखो साइन लिखा है गाइस, जैसे बोलते हैं साइन, ये होता है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और ये होता है कॉट, कॉसिकेंट, सेकेंट भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। अब साइन के नीचे मैंने पी और एच लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो होता है किसी भी एंगल का, मान लो ए, उसकी वैल्यू होती है पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैं बताऊंगी आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता क्या है। इसी तरह से कॉस की वैल्यू क्या होगी क्लास, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ ए का क्या मतलब है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉसेक नीचे लिखने का मतलब यह है, कॉसेक की वैल्यू है एच अपॉन पी, मतलब ये हुआ कि साइन का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है कॉसेक, जो कि वैल्यू देता है एच अपॉन पी। सिमिलरली सीकेंट की होती है एच अपॉन बी, और कॉट की होती है बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये आज सीक्वेंस आप याद रखेंगे, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, और जो ये सामने सामने लिखे हुए ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हाइपोटेनस वगैरह पहचानना कैसे, सबसे मेन चीज देखो, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और वो बी पे राइट एंगल बनता है, यानी कि बी पॉइंट पे वैल्यू है 90 डिग्री, तो बिना सोचे समझे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा ही क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है। अब जिस भी एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब अगर ए पे करनी है, तो जो एंगल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम साइन ऑफ ए की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि साइन ऑफ बी तो हमें पता है 90 डिग्री है तो वैल्यू निकल जाएगी, अगर साइन ऑफ ए की बात करना चाह रहे हैं तो ए की जस्ट सामने ये है, यानी कि ये इस टाइम परपेंडिकुलर होगा, और जिस पे वो एंगल बन रहा होता है वो वाली लाइन क्या बन जाती है, बेस, क्लियर है। मतलब अगर मैं साइन ऑफ ए की बात कर रही थी, अगर ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर मेरी ये लेंथ होती बी सी, और बेस क्या होता, ए बी, क्लियर है। यही मान लो मैं एंगल सी की बात करती, इसकी अगर एंगल सी की बात करती, तो देखो सी के सामने अब ये वाली साइड है, यानी कि इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाता, ये, और
ये तो 90 है, तो इसके सामने वाला ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, और हाइपोटेन्यूज क्लास सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ बी सी, मैंने क्या बोला था, सामने वाले परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बचा ये बेस, यानी कि अगर मैं साइन ऑफ सी की बात करती तो ए था, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी, और बेस क्या है, ये बी सी। क्लियर है? आपको ध्यान ये रखना है, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। उस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और बराबर वाला उसके साथ वाला बेस हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक डेफिनेशन है जो मैंने लिख ली है, वैसे आपकी बुक में गिवन है, आप पढ़ लें फिर भी एक बार। राइट एंगल में, राइट ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स। ये रेशियोज हैं सारे, रेशियोज है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये देखो ए एंगल था, तो ये रिलेशनशिप बताता है एंगल में और लेंथ ऑफ इट साइड्स में, तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बात और गाइस, जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स सेम। मतलब ये हुआ, अगर एंगल हमारा फिक्स्ड है 60 डिग्री ही है, तो लेंथ को आप कितना भी बढ़ा लो, रेशियो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए बस, मतलब अगर अभी लेंथ इतनी है तो भी रेशियो सेम आएगा, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो भी रेशियो सेम आएगा, अगर एंगल सेम है तो, ठीक है। तो ये था क्लास हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन, मैं इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ अभी, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास ये है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या गिवन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि देखिए बी पे राइट एंगल बन रहा है इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है इस पे 90 डिग्री एंगल है। अब ए और सी आप अपनी मर्जी से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, फर्क क्या आएगा, जो एंगल पूछेगा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर आपका चेंज होगा। तो मान लो ये ए है और ये सी है, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं, ए बी, ए बी इज 24, दिस इज 24, ये गिवन है हमें, बी सी इज 7, बी सी इज 7, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ, उससे पहले क्लास आपको ये ए सी पता होना चाहिए, और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, आपने शायद 9th में किया है या नहीं मुझे याद नहीं है, बट मैं बता देती हूँ एक बार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन ये कंडीशन होती है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी कि 24 स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर यानी कि ये 7 स्क्वायर। अच्छा एक बात और, अब आप कहोगे कि अलग अलग एंगल में तो परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, तो ये तो डिफरेंट नहीं आएगा, नहीं ये हमेशा क्या आएगा सेम, ठीक है, क्योंकि आप आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो ऐड कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 24 का सो स्क्वायर करके ऐड किया तो 625 वैल्यू आई, ए सी स्क्वायर की यानी कि ए सी की वैल्यू होगी, अंडर रूट करेंगे तो 25, यानी कि दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है क्लास, साइन ए, ए अब ए कहाँ है हम ये देखते हैं, ए ये एंगल है, मैंने क्या बताया था, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी सी, और बेस यानी कि ए बी क्या बन जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता ही है, तो हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ये क्लियर है? अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें सबसे पहला होता था साइन के लिए, यानी कि साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या हुई क्लास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया था क्या है, बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। बी सी, बी सी की वैल्यू गिवन थी, बी सी इज 7 अपॉन ए सी, ए सी की वैल्यू 25, तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ ए। नेक्स्ट हमसे पूछा था कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए मैंने आपको बताया था ये होता है नेक्स्ट वाला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या था, ए एंगल के लिए बेस था ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेम रह गई ए सी, तो ए बी की वैल्यू क्या थी, 24 अपॉन 25। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट था सी के लिए, फॉर एंगल सी। अब सी के लिए देखिए फिगर देखो आराम अच्छे से, ये एंगल सी है, इसके जस्ट सामने वाला अब क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, इट मींस अब की बार ए बी जो है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ए सी तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा ही, तो बचा कौन, बी सी, वो क्या बन जाएगा इसका बेस, बी सी इज बेस।
अब वही साइन सी फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस, और परपेंडिकुलर क्या गिवन है ए बी और हाइपोटनस क्या गिवन है ए सी। तो ए बी की लेंथ तो क्लास पता ही आपको क्या 24 और ए सी क्या था 25। सिमिलरली कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटनस होता है और सी एंगल के लिए बेस क्या बन गया था बी सी, बी सी अपॉन ए सी इज 7/25। ठीक है तो गाइज ये था हमारे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी अगली वीडियोस में मैं इसके आगे फर्दर क्वेश्चन भी करूंगी, तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, अपडेटेड रहिए, और अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।